नमस्कार दोस्तों, तो लीजिए प्रस्तुत है आज भीड़ में खोया आदमी, जो लीलाधर शर्मा द्वारा लिखा गया एक ऐसा निबंध है जो आज की ज्वलंत समस्या जनसंख्या विस्फोट पर आधारित है। वाचन आपकी अपनी स्वाति जैन का। मेरे एक अभिन्न मित्र है बाबू श्यामलाकांत। वह सीधे सादे, परिश्रमी, ईमानदार किंतु निजी जिंदगी में बड़े लापरवाह है। उम्र में मुझसे छोटे हैं, पर अपने घर में बच्चों की फौज खड़ी कर ली है। पिछली गर्मियों में मुझे उनकी लड़की के विवाह में सम्मिलित होने के लिए हरिद्वार जाना था। 15 दिन पहले आरक्षण के लिए स्टेशन गया तो वहां पहले से ही लोगों की लंबी कतार खड़ी थी। घंटों प्रतीक्षा के बाद जब मेरी बारी आई तो पता चला कि किसी भी गाड़ी में स्थान खाली नहीं है। जाना आवश्यक था, इसीलिए मुझे बिना आरक्षण के ही निकलना पड़ा। जब स्टेशन पहुंचा तो देखा कि गाड़ी के अंदर तिल रखने की भी जगह नहीं और प्लेटफॉर्म पर चढ़ने वालों की भीड़ जबरदस्त धक्का मुक्की करने में लगी है। मेरे पास सामान बहुत कम था, फिर भी कुली की सहायता लेनी पड़ी। यदि उसने खिड़की से मुझे भीतर न ढकेला होता तो गाड़ी छूट ही जाती। लक्सर में मुझे गाड़ी बदलनी थी। किसी तरह खिड़की से बाहर कूदा तो देखा पूरी ट्रेन छत की यात्रियों से पटी पड़ी है। मैं सोचता हूँ अपने प्राणों को भीषण संकट में डालकर ट्रेन की छत पर यात्रा करने के लिए लोग क्यों मजबूर हुए। इन लोगों को रेल नियम, व्यवस्था और अनुशासन का ध्यान क्यों नहीं है। हरिद्वार स्टेशन पर श्यामलाकांत जी का बड़ा लड़का दीनानाथ मुझे लेने आया था। उसे अपनी पढ़ाई पूरी किए हुए 2 वर्ष हो गए हैं, तभी से नौकरी की तलाश में भटक रहा था। मैंने पूछा, अब जगह जगह रोजगार कार्यालय खुल गए हैं, उनकी सहायता क्यों नहीं लेते। कहने लगा, चाचा जी वहां भी गया था, पूरे दिन लाइन में खड़ा रहने पर जब मेरी बारी आई तो अफसर बोला, भाई तुम्हारा नाम तो लिख देता हूँ पर जल्दी नौकरी पाने की कोई आशा मत रखना। तुम्हारी योग्यता के हजारों व्यक्ति पहले से ही इस कार्यालय में नाम दर्ज करा चुके हैं। मैं सोचने लगा कि जब एक छोटे शहर का यह हाल है तो पूरे देश में बेरोजगारों की कितनी भीड़ भटक रही होगी। जब घर पहुंचा तो छोटे से मकान में सामान ठूसम ठास और बच्चों की भीड़ देखकर मेरा दम घुटने लगा। मैंने श्यामलाकांत बाबू से कहा, क्या तुम्हारे पास यही 2 कमरे हैं। वे बोले, 2 वर्ष पहले जब इस शहर में आया था तभी से मकान की तलाश में भटक रहा हूँ। शहर में चक्कर काट काट कर मेरे जूते घिस गए। निराश होकर जब थक गया तब साल भर बाद मकान के नाम पर सिर छिपाने के लिए गली के अंदर यह छत मिली है। शहर पहले की तुलना में कई गुना फैल चुका है, दूर दूर तक नई कॉलोनियां बन गई। फिर भी मेरी तरह न जाने कितने लोग मकानों की तलाश में भटक रहे हैं। हमारे देश में बढ़ती हुई आबादी का ही है दुष्परिणाम है। जनसंख्या बढ़ रही है, मकान और खाद्यान्न घट रहे हैं। उस समय श्यामलाकांत जी की पत्नी जलपान लेकर आई। उनके पीछे उनकी 3 छोटी लड़कियां थी और पल्ला पकड़कर 2 लड़के। मैं उनकी दुर्बल काया और उनका पीला चेहरा देख स्तब्ध रह गया। मैंने पूछा, कब से अस्वस्थ है? डॉक्टर को दिखाकर इलाज नहीं करवा रही है क्या? वे फीकी मुस्कान मुस्कुराते हुए बोली, भाई साहब इतने बड़े परिवार में हर रोज कोई ना कोई बीमार रहता है। डॉक्टर को दिखाने अस्पताल गई थी पर अस्पताल में आजकल रोगी और उनके संबंधी मधुमक्खी के छाते की तरह डॉक्टर को घेरे रहते हैं। वह भी अच्छी तरह किस किस को देखें। आजकल तो ऐसा लगता है मानो पूरा शहर ही अस्पताल में उमड़ आया है। समझ में नहीं आता ऐसी भीड़ क्यों है। अब यही देखिए ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। सोचा था विवाह के कपड़े दर्जी से सिलवा लूं। बड़े बेटे को दर्जी के यहाँ भेजा है लेकिन वह जिस किसी भी दुकान पर गया हर दर्जी ने पहले से आए सिलने वाले कपड़ों के ढेर दिखाकर अपनी मजबूरी जाहिर कर दी। पहले ग्राहक का स्वागत होता था, अब उससे भी चिरौरी सी करनी पड़ती है। फिर भी समय पर काम नहीं होता। दुकानें पहले से अधिक खुल गई हैं, लेकिन ग्राहकों की बढ़ती हुई भीड़ के लिए वे सब अब भी कम पड़ रही हैं। तभी बाहर से दूसरे बेटे सुमंत का हारा थका झुंझला स्वर सुनाई दिया, माँ जल्दी से चाय बना दो, आज पूरे दिन राशन की दुकान पर लग गया। इतनी भीड़ की लाइन खत्म होने को ही नहीं आती थी, फिर भी पूरा सामान नहीं मिल पाया। मैं सोचने लगा, आखिर इस सब का कारण क्या है। मोहल्ले मोहल्ले दुकानें हैं, मकान पहले से कहीं अधिक बन गए हैं और बनते जा रहे हैं,
रोजगार के अनेक रास्ते निकल आए हैं। रेलगाड़ी और बसों की संख्या पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार हुआ है, फिर भी लोगों की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही हैं। जहां देखिए भीड़ ही भीड़ है। यह भीड़ क्यों बढ़ती जा रही है? क्या आदमी स्वयं ही इसके लिए उत्तरदायी है? घर में बच्चों की भीड़ है। यह भीड़ भले ही हमें अच्छी लगती हो, लेकिन जब बच्चों के लालन पोषण की, रहन सहन की, शिक्षा दीक्षा की पूरी सुव्यवस्था ना हो, यह भीड़ दुखदायी बन जाती है। अस्पताल में भीड़ क्यों है? क्या यह भीड़ किसी को सुहाती है? क्या कोई स्वेच्छा से अस्वस्थ होता है? नहीं, स्वयं कोई बीमार नहीं होना चाहता। बीमारी कुपोषण से, गंदे और संकीर्ण मकानों के दूषित वातावरण से होती है। यदि सीमित परिवार हो, स्वच्छ जलवायु और खाने के लिए भरपूर भोजन सामग्री हो, तो बीमारी से बचा जा सकता है। रेल, बस में भीड़ का कारण भी बढ़ती हुई आबादी है। आबादी का संतुलन बिगड़ने से भीड़ के साथ देश का आर्थिक संतुलन भी बिगड़ता है। देश के अनुशासन पर दुष्प्रभाव पड़ता है। सड़क पर दुर्घटनाएं होती हैं। सार्वजनिक स्थानों पर नियम और व्यवस्था का पालन नहीं होता। जिस काम के लिए आदमी दफ्तर, कचहरी, अस्पताल, स्टेशन आदि स्थानों पर जाता है, समय, शक्ति और धन व्यय करके भी वह कार्य सिद्ध नहीं कर पाता है। वह भीड़ में खो जाता है। भीड़ में खोया आदमी शायद यह तो समझ ही जाता है कि यह सब बढ़ती हुई जनसंख्या का परिणाम है। मुझे अपने मित्र श्यामलाकांत को अब इस भीड़ का रहस्य बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे स्वयं इस विपदा को झेल रहे हैं। ऐसा लगता है कि यदि समय रहते हमारा देश अब भी नहीं चेता और श्यामलाकांत बाबू की तरह परिवार बढ़ाता ही गया, तो वह दिन दूर नहीं जब वह स्वयं इस भीड़ में और इससे पैदा होने वाली समस्याओं में पूरी तरह खो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। तो अगर आपको मेरा वाचन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। धन्यवाद।